मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा के पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। खरगोन पुलिस ने पुराने उंगलियों के निशानों को देखकर शातिर चोर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि खरगोन जिला मुख्यालय के अलाव थाना में गांव खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र में कई बार घरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे खरगोन ने बताया कि भगवानपुरा थाने में पुरानी चोरी के प्रकरण में पकड़ाए मुकेश चोर के उंगलियों के निशान ले रखे थे। खरगोन में हुई एक चोरी में पाए गए उंगलियों के निशान पर से मुकेश के उंगलियों के निशान मेल खाने से भगवानपुरा की पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। पुलिस ने बदमाश से 16 चोरियों का खुलासा करते हुए उसके पास से 10 लाख से ज्यादा की चोरी की ज्वेलरी जब्त करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। इस बात का खुलासा पुलिस अधीक्षक खरगोन सुनील पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। खरगोन मध्य प्रदेश से संवाददाता महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये भगवानपुरा पुलिस हमारी और ये जो फिंगरप्रिंट साइबर सेल के लोगों ने ये परिश्रम करके चोर मुकेश बारेला ये यहाँ थाना मेन गांव सुखपुरी का है उसको पकड़ा। इसको इस आधार पे पकड़ा कि यहाँ शहर में एक चोरी की घटना हुई थी, वहाँ से जो फिंगरप्रिंट उठाया गया था वो जो हमारे फिंगरप्रिंट जो हमारे पास पहले से प्रिजर्व थे उनसे जब उनका मिलान कराया गया तो ये मुकेश नामक जो चोर है शातिर चोर है इससे उनका मिलान हुआ। इसके बाद हम लोगों ने इसकी तलाश की और ये जब पुलिस को मिला इसके बाद इससे पूछताछ किया, इसने करीब 16 चोरियां एक्सेप्ट की जो यहीं आसपास की थी, हमारे जो मून के भगवानपुरा कोतवाली ये आसपास के थानों की थी। वो करीब 10 लाख का माल इससे बरामद हुआ। इसकी जो मॉडस अप्रेंडी थी ये चोरी करता था सोने मकानों से और उसके बाद ले जाके इसको जमीन में गाड़ देता था, जरूरत के अनुसार इसको निकालता था। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस ने फिंगरप्रिंट के बेस पर ये इस चोरी को खुलासा करने में सफलता पाई। इससे कोई साथी होती भी और गिरफ्तार नहीं होता? देखिए, जो हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि ये अकेले ही चोरी करता था, इसका कोई ऐसा गिरोह नहीं है, क्योंकि हमने इसको अरेस्ट किया है और अब हम इससे और पूछताछ करेंगे। हो सकता है उसमें अगर इसके साथ कुछ और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो हमें प्राइमा फेसी जानकारी मिली है कि ये अकेले ही चोरी करता है। सर, ज्वेलरी चुराता है? इसके जितने भी अभी केसेज हैं और पहले से भी जो रजिस्टर हैं उसमें मेन इसका टारगेट ज्वेलरी का ही होता था, सोने मकानों को ही टारगेट करता था, वहाँ से ज्वेलरी की चोरी करता था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।